नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। सिनेमा जगत की चमक दमक दूर से देखने में दिल को बहुत सुकून देती है। कई लोगों का वहीं पहुंचने का मन रहता है, सोचते हैं कि काश हम भी वहां रहते, काश ये मौका हमें भी मिला होता, काश हम भी हीरो या हीरोइन की जगह या उनके अन्य किसी पात्र की जगह रहते। लेकिन रंगीन पर्दे के पीछे की सच्चाई उतनी ज्यादा रंगीन नहीं है, ये बहुत काली है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद थोड़ी थोड़ी सच्चाई सभी के सामने आ रही है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद ही सिनेमा जगत बुरी तरह से कांप रहा है। उसके बारे में सुनकर लोग भी डरे हुए हैं। ये सच्चाई पूरी नहीं है। सोचिए कि जब ये इतनी सी सच्चाई सामने आ रही है तो इतना बवाल मचा हुआ है, और अगर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो क्या होगा। कई बड़े बड़े सितारे वर्षों से अपने मन में छिपाया दर्द अब बाहर निकाल रहे हैं। कंगना रनौत, गोविंदा जैसे कई सारे सितारे इस बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। पिछले काफ़ी समय से अभिनेत्री कंगना रनौत बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों पर नेपोटिज्म का आरोप लगा रही थी। उन्हें इस बारे में कई लोग उनकी सराहना कर रहे थे, और कई लोग ऐसे भी थे जो उन पर ही कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ये मामला किसी और दिशा में लेकर जा रही है। लेकिन अब दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने भी इस मामले पर अपना दर्द सबके सामने रखा है। गोविंदा का कहना है कि पहले जो भी टैलेंट होता था उसे काम मिल जाता था, हर फिल्म को थिएटर में बराबरी के मौके मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों का पूरा बिजनेस शुरू किया है, यानी ये 4 से 5 लोग ही पूरा फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस संभालते हैं। वह फैसला करते हैं कि जो उनके करीबी नहीं हैं उनके फिल्मों को ठीक ठाक रिलीज होने देना है या नहीं। मेरी कुछ अच्छी फिल्मों को भी ढंग से रिलीज नहीं मिल पाई है, लेकिन चीज़ें अब काफ़ी बदल रही है। अपनी बेटी टीना आहूजा के बारे में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उन्हें लॉन्च करने का मेरा कोई भी सपना नहीं है, मैंने उसे इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की। मेरी बेटी अपनी राह खुद तलाशने की कोशिश कर रही है, और जब भी उसका समय आएगा तो वो ज़रूर सफल होगी। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार के साथ की या फिर किसी भी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। गोविंदा के बेटे भी बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं, ऐसी खबर थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं गोविंदा की भतीजी रागिनी के लिए भी उनका कहना है कि मैंने उनके लिए भी कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी का सपोर्ट नहीं मांगा, उन्होंने जो भी किया है अपने दम पर किया है। बता दें कि रागिनी ने टेलीविज़न पर कई शो में काम किया, कई सारे हिट भी रहे, इसके बाद काफ़ी समय से अभी उन्हें पर्दे पर नहीं देखा गया है। लेकिन जो बॉलीवुड जगत की, जो सिनेमा जगत की सच्चाई है वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है, और इस सच्चाई के सामने आने के बाद हमें इस रंगीन पर्दे के पीछे का वो काला सच जानने को मिल रहा है, जिससे न जाने कितने ही सितारे जूझ रहे होंगे, न जाने ऐसे कितने सितारे होंगे जो इस काली सच्चाई के पीछे दब गए होंगे। क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि बस कुछ लोग ही हैं जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, और उन लोगों के हिसाब से ही लोग कौन उसमें आ सकते हैं, कौन उसमें नहीं आ सकते हैं, कौन फिट बैठता है, ये सब तय होता है। यानी अगर वे लोग जो इस बिजनेस को चला रहे हैं उनकी नज़र में कोई इंसान, चाहे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ही क्यों ना हो, पर अगर वो उनकी नज़र में फिट नहीं बैठता है तो उसके करियर को वहीं तबाह कर दिया जाता है। इस सच्चाई से बॉलीवुड के कई बड़े से बड़े सितारे भी अब मुकर नहीं रहे। उन लोगों का कहना है कि ये बॉलीवुड का काला सच है जो सभी को जानने की ज़रूरत है। बता दें कि जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है उसके बाद से ये मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले कई बार कंगना रनौत और उनके साथियों ने ये मामले उठाए, लेकिन उन्हें हर बार दबा दिया गया। लेकिन अब जब सुशांत सिंह की मौत हुई है तब ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। अब फैंस भी उनके साथ हैं, और इस समय कई लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े सितारों की फिल्मों को बैन करने पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों की फिल्में हम नहीं देखेंगे और ना ही देखने देंगे जो लोग इस कदर लोगों पर अपना हुक्म जताते हैं, जो लोग दूसरों के करियर को तबाह कर देते हैं। अब देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई क्या सामने आती है, क्योंकि पुलिस ने तो अभी कहा है कि उनकी आत्महत्या है,
और ये आत्महत्या उन्होंने डिप्रेशन की वजह से की है। लेकिन उनके फैंस का कुछ और ही कहना है, उनके फैंस के साथ ही कंगना रनौत का भी कुछ और ही कहना है। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के उन लोगों के कारण की है जिन्होंने उनके करियर को तबाह करने की कोशिश की। उन लोगों ने ऐसे कई सारे प्रूफ दिखाए कि सुशांत सिंह से कई सारे फिल्में छीन ली गई, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था, जिसके बाद वे काफ़ी समय से डिप्रेशन में थे। उनकी मौत के बाद तो कई सितारों के ट्वीट आए, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी सांत्वना व्यक्त की, लेकिन उनमें से कई सितारे ऐसे हैं जो जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तब नहीं चाहते थे कि वे आगे बढ़े। अब पुलिस की तहकीकात में क्या सामने आता है इसका सभी को इंतज़ार है। हालांकि कई लोग अभी भी CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जिसे महाराष्ट्र के एक मंत्री ने नकार दिया। उनका कहना है कि हमारी महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा प्रबल है, उन्हें CBI जांच की ज़रूरत नहीं है। इस मामले पे काफ़ी दिन से तहलका मचा हुआ है, काफ़ी दिन से कई प्रकार की मांगे सामने आ रही, लेकिन अभी तक निदान सामने नहीं आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व नहीं किया जाता, वैसा ही अभी भी हो रहा है। चाहे वो सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनकी मौत का जो रहस्य, उनकी मौत की जो गुत्थी है, उसे अभी भी सुलझाया नहीं जा पाया है। इसे ये कब सुलझती है, इसकी सच्चाई कब सामने आती है, इस चीज़ का सभी को इंतज़ार है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंग के साथ। थैंक यू।